शाहपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। शाहपुर पुलिस ने 7 मोबाइल लुटेरों को 18 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया, जिसका पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह द्वारा खुलासा किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह ने बताया कि स्वाट टीम व सर्विलांस तथा थाना अध्यक्ष शाहपुर की संयुक्त टीम को नगर क्षेत्र में हो रही मोबाइल लूट की घटनाओं में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच और थाना अध्यक्ष शाहपुर पुलिस ने गंगा टोला शिव मंदिर के पीछे से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह ने कहा, AIMI भी चेंज कर सकता है, मोबाइल के पास चेंज कर देता है, टेक्निकल पैटर्न वगैरह पूरा पैटर्न पूरा इधर पीछे आ जाना बाबू, जरा वो भी चलो बाबू, तुम पीछे खड़े हो जाओगे तो गड़बड़ आ जाएगा। यह थाना शाहपुर की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच के सहयोग से कुल 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक अपराधी आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया गया, बाकी 6 बाल अपचारी हैं। इनकी एक गैंग है, ये लोग मोबाइल लूट और चोरी घटनाएं करते हैं। इसमें अभिनव कुमार सिंह लड़का जो ये स्कूल में पढ़ाई भी करता है, साथ साथ एक मोबाइल की दुकान पे पार्ट टाइम काम भी करता है, यह टेक्निकल एक्सपर्ट है, यह मोबाइल के AIMI नंबर चेंज कर देता है और बाकी उसके पैटर्न लॉक को तोड़ देता है, तो काफ़ी एक्सपर्ट है। चोरी और लूट के मोबाइल को फिर उसके सामान को अलग अलग करके फिर ये नया मोबाइल असेंबल करके फिर उसको बेचने का भी काम करते हैं। इन लोगों के पास से कुल 18 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें से अभी तक 2 मोबाइल, एक कैंट थाना के लूट के और एक सजनवा थाना के लूट के मोबाइल बरामद हो चुके हैं। बाकी 16 मोबाइल हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अन्य जनपदों से, कहां कहां से इन्होंने चोरी किया है, ये अभी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं लोग। ये स्कूटी और मोटरसाइकिल से 2-2 आदमी की गैंग में कुल इनके साथ 7 आदमी हैं, जिसमें 6 तो बाल अपराधी हैं। ये घूमते हैं और कोई आदमी मोटरसाइकिल से बात करता हुआ या पैदल निकल रहा होता है, झपट्टा मार के उसका मोबाइल छीन लेता है।